मैं आपको सुपरस्टार बनाऊंगा। अगला जो 14 का जो बिग बॉस 14 जो आएगा अगले साल, उसमें मैं आपको होस्ट बनाऊंगा और आप देखेंगे कि जितना टीआरपी आपके होस्ट बनने के रूप में आएगा उतना टीआरपी कभी सलमान खान ना तो लेके आया है ना ला पाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बागीश्वर, आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया न्यूज और सीधे चलते हैं आपके साथ बॉलीवुड दुनिया की ओर। दीपक कलाल इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिन्हें खुद के नाम से तो कोई नहीं जानता, लेकिन राखी सावंत के साथ फेक शादी के लिए जरूर जाना जाता है। दीपक कलाल सोशल मीडिया पर एक ही बात के लिए जाने जाते हैं, अपने अजीबोगरीब वीडियो के लिए। भड़काऊ कमेंट और आपत्तिजनक कंटेंट के चलते लोग इन्हें काफी ट्रॉल भी करते हैं, यहां तक कि इनकी कई बार पब्लिक स्पेस में पिटाई भी हो चुकी है। दरअसल दीपक कलाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने कमेंट और महिला संघ बदतमीजी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था 3 दिन पहले, जिसमें एक महिला दिल्ली मेट्रो में उन्हें थप्पड़ जड़ती हुई नजर आ रही है। You don't have any right to take my selfie and that too without my permission. Excuse me. My permission. Excuse me. My permission. Excuse me. उसके बाद दीपक कलाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दीपक एक ढोंगी बाबा के साथ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, बाबा मुझे न्याय दिलाओ, मुझे मेट्रो में एक लड़की ने थप्पड़ मारा, मुझे उस बात से ज्यादा उस मोहित अरोरा का दुख है, उसने लड़की पटाने के चक्कर में मुझे वहां पहचानने से मना कर दिया, वो मोहित जो मेरे टुकड़ों पर पल रहा था, बाबा 24 घंटे के अंदर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। तभी बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं बिग बॉस 14 के होस्ट तुम बनोगे अगले साल, मैं बनाऊंगा सलमान खान से बड़ा सुपरस्टार, मैं तुम्हें बनाऊंगा। देखिए आप ये पूरा वीडियो को, किस तरह ढोंगी बाबा के साथ दीपक कलाल भी ढोंगी बन गए हैं। बाबा बाबा मेरे साथ ज्यादा ताई हुई है, मुझे दिल्ली के मेट्रो में जोर से थप्पड़ लगाई है, बिना परमिशन लिए मेरा सेल्फी लिया और बिना परमिशन मुझे चबाट भी जार दिया। तुम्हें पता है बाबा, वो जो मोहित अरोरा है ना, मेरे टुकड़ों पे पलता था बाबा, उसका सब खर्चा मैं करता था, पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, दिल्ली में मैं उसके साथ रहता था, लेकिन मेट्रो में जब मुझे चमाट पड़ी ना, वो उस मेट्रो में मेरे साथ घूम रहा था, मुझे पहचानने से मना कर दिया, ऊपर से वो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने वो लड़की की साइड ली। बाबा प्लीज मुझे न्याय दो, मैं चाहता हूं कि वो मोहित अरोरा 24 घंटे के अंदर यहां पे प्रेजेंट हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर आपका आशीर्वाद मुझे देंगे तो वो 24 घंटे के अंदर यहां पे हाजिर हो जाएगा। बाबा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल होगा, मोहित को मैं आपका गुलाम बना दूंगा, 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपके कदमों में होगा और जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेगा, उसको वही करना होगा जो आप चाहेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मोहित अरोड़ा को 24 घंटे के अंदर अंदर आपके कदमों में लाकर मैं रखूंगा। मुझे तांत्रिक सम्राट लोग कहते हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तांत्रिक मैं हूँ और आपको मैं सलमान खान से बड़ा मैं आपको सुपरस्टार बनाऊंगा। अगला जो 14 का जो बिग बॉस 14 जो आएगा अगले साल, उसमें मैं आपको होस्ट बनाऊंगा और आप देखेंगे कि जितना टीआरपी आपके होस्ट बनने के रूप में आएगा उतना टीआरपी कभी सलमान खान ना तो लेके आया है ना ला पाएगा। बस लेकिन ये जो मोहित अरोरा है ना, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे कदमों में चाहिए, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे मोहित अरोड़ा होगा, चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मोहित अरोड़ा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके चरणों में होगा, हर हालत में होगा और आपको मैं आगे आने, आज से आपका दिन अच्छा शुरू हो गया है, आपको आगे आने वाले समय में सुपरस्टार बनाऊंगा, सलमान खान से बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू बाबा, बिल्कुल निश्चित रहिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए, आप डिप्रेशन में मत रहिए, आपका डिप्रेशन में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आपको न्याय 24 घंटे के अंदर मिलेगा न्याय, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, थैंक यू बाबा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।